देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की धरती इस समय केवल राजनीतिक बयानों से गर्म हो चुकी है। बयान केवल यहां पर राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक होते नजर आ रहे हैं। कभी यहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत बयान देते हैं तो कभी यहां पर मौलाना अरशद मदनी बयान देते हैं और कभी यहां पर जैन मुनि बयान देते हैं। खैर, इस समय परंपरा ही चल रही है कि जनता के मुद्दे छोड़कर केवल बयानबाजी का दौर जारी है और बयानबाजी केवल धार्मिक, बयानबाजी केवल हिंदू मुस्लिम पर, बयानबाजी केवल दोनों धर्मों के आराध्यों पर, देवताओं पर, जो जिसको मानता है उसके ऊपर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। खैर, ये परंपरा आज नहीं, पुरानी परंपरा। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि 2014 के बाद से लगातार इस तरह की सरगर्मियाँ चलती जा रही हैं। धार्मिक विवाद चलते रहे, पहले तमाम तरह के धार्मिक विवाद रहे जिनका पटाक्षेप अब हो चुका है। और जब पटाक्षेप होने के बाद नई नई परिकल्पनाएं शुरू हुई, फिर मामला आया ज्ञानवापी मस्जिद का और मामला इतना बढ़ता चला गया कि नूपुर शर्मा के बयान के चलते क्या कुछ हुआ था वो सबको पता है। खैर, यहाँ बयान हम नूपुर शर्मा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बयान की बात कर रहे हैं हम असर मदनी के। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा है देश केवल मोदी और भागवत का नहीं है, देश मदनी का भी है और यहाँ पर सभी धर्मों के लिए समान व्यवस्थाएं हैं और कोई हमको यहाँ पर जाने के लिए नहीं कह सकता, कोई हमको निकालने की बात नहीं कह सकता। और उन्होंने ये कहा कि अगर धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म सबसे पहला धर्म है और अगर अब देखा जाए तो इस्लाम का सबसे जो पहला जो वतन है वो है भारत। खैर, असर मदनी ऐसा बयान नहीं पहली बार, इसके पहले भी तमाम तरह के बयान आए हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के बयानों की देश में जरूरत क्या है। जाति किसने मनाई, कभी कोई रामचरण मानस को लेकर बात करता है तो कोई कभी यहाँ पर जातीय पंडितों ने बनाई इस पर बात करता है, कभी कोई देश किसका है इस पर बात करता है तो कोई कभी कहता है कि ओम अल्लाह एक है। खैर, सब धर्म एक है वो तो बात अलग है, पर जो इस तरह के बयानबाजी चल रही है, इस बयानबाजी की मेन उद्देश्य क्या है, क्या जरूरत है और इन बयानबाजी के माध्यम से असर मदनी क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण बयान सुनिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे न ब्रह्मा थे न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। इसकी पहचान तो मोहम्मद साहब ने दी, यद्यपि इतिहास में इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि इस्लाम धर्म इसके पहले पैदा हो गया था। नहीं नहीं, मोहम्मद साहब को तो सब जानते हैं, ईसा मसीह की बात पैदा हुई है, तो इसलिए जहाँ तक पैगंबर की बात है तो ईसा मसीह की बात फिर मोहम्मद साहब आए। पहचान इसकी, इस्लाम धर्म की पहचान मोहम्मद साहब ने दी, लेकिन इस्लाम धर्म पहले से भी था ऐसा इतिहासकार कहते हैं। और हमें ये कहा गया कि सद्भावना सम्मेलन का आयोजन है और आपने देखा हमारे परमात्म निकेतन के स्वामी चिदानंद जी ने प्यार मोहब्बत की बातें की, मैं जैन आचार्य लोकेश मुनि प्यार मोहब्बत की बातें की, हमारे गोस्वामी सुलसी जी महाराज ने प्यार मोहब्बत की बातें की, परमजीत सिंह चंडोक जी ने प्यार मोहब्बत की, अच्छा माहौल चल रहा था। और उसके साथ जो सहारनपुर से आए हुए मदनी साहब का जो वक्तव्य आया वो बिल्कुल उस वक्तव्य से कोई जोड़ने वाली बात नहीं है और उन्होंने अपनी एक कहानी, हमको ये कहते हैं हमको पैदा करने वाला हमारा माँ बाप है। ये हमारा भी कहना यही है, कुरान मजीद का भी यही कहना है, हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका भी कहना यही है कि दुनिया के कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ अल्लाह के नुमाइंदे और दूत उनके ना आए हो।
जब इतना बड़ा मुल्क है और उसमें अल्लाह का कोई पैगंबर ना आया हो, अल्लाह का कोई प्रॉफिट ना आया हो, अल्लाह का कोई दूत ना आया हो, ये इम्पॉसिबल है। लिहाजा हमारा क्या मानना तो ये, जैसे मनु आदम को हम मनु नहीं मानते, लेकिन जनाब नूह के जो वाक़ियात हैं, तो जनाब आदम के बाद एक पैगंबर थे नूह पैगंबर, तो उनके जो वाक़ियात हैं और मनु के जो वाक़ियात हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो हमारा कहना ये है कि ये हो ही नहीं सकता कि कोई प्रॉफिट यहाँ ना आया हो। लिहाजा हमारे उलमा ने मना किया है कि किसी भी धर्म के किसी भी बड़े जो ऊपर वो है, जैसे मनु है, राम है, या कोई भी ऐसा वशीरेश है, इनको नाम लेकर कोई बुरा कहने की इजाज़त नहीं है। मौलाना मदनी के बयान के बाद लगता है कि इस देश में सारे कुकर्मों की जिम्मेदार कांग्रेस, जिसने इस देश के लोगों को इतिहास सही से नहीं पढ़ाया। अब अखिल भारतीय संत समिति यह मांग करती है कि भारत सरकार को तथ्यों के आधार पर पुनः इतिहास का लेखन करवाना चाहिए। मदनी साहब, इस्लाम को दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म बताएंगे, तो कोई बौद्धिज्म को जब भगवान बुद्ध ने स्वयं पाली भाषा में कहा कि येसो धम्म संतनो, अर्थात मैं कोई संप्रदाय नहीं चला रहा, ये पार्ट आप सनातन धर्म ही है, ये बुद्ध ने कहा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य अथवा मौलाना मदनी के बयानों से लगता है कि सच में देश ने इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा। महत्वपूर्ण चर्चा बैसा है, मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। यहाँ पर नेता सपा से विवेक पांडे अपना पक्ष रखेंगे, नेता भाजपा से देशबंधु ऋषि अपना पक्ष रखेंगे, विकास मिश्रा सनातन महासभा पर पक्ष रखेंगे, इस्लामिक स्कॉलर के रूप में आमिर साबरी भाई पर पक्ष रखेंगे, और प्रवक्ता कांग्रेस से पवन दीक्षित उनके फायर बैंड प्रवक्ता पर पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा नेता भाजपा से, देशबंधु भाई जो मदनी साहब बयान दे रहे हैं, क्या बयान के मायने है, जरूरत क्या है बयानों की, और इस तरह के बयानबाजी से होना क्या है, ये बयान से क्या सियासी हलचल बढ़ाना चाहते हैं कि एकता की बात कर रहे हैं, कभी बोलते हैं श्री राम, ब्रह्मा, विष्णु, शिव वो नहीं थे, उसके पहले इस्लाम था, इस तरह की बात कर रहे हैं, कभी बोलते हैं कि आदम अल्लाह, मनु मनुष्य, इस तरह के बयान आ रहे हैं, और लोकेश मुनि जैन धर्मगुरु उन्होंने भी उनके बयान का विरोध किया, और निश्चित रूप से फिलहाल इस तरह के बयान की जरूरत क्या है हमारे देश में, कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई, महत्वपूर्ण चर्चा में आपने अवसर दिया जी अपनी बात रखने का जी। सभी मान्यवरों को शुभ संध्या जी। देखिए एक वाक्य से शुरू कर रहा हूँ, बुरा जो देखन मैं चला जी, बुरा न मिलिया कोई जी, और जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। क्या बात है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें भारत, तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं, और वसुतैव कुटुंबकम की भावना से सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भागवे, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, ये हमारी हमारी ओतप्रोत संस्कृति रही, यही सांस्कृतिक विरासत रही भारत की। किसी व्यक्ति का जो वक्तव्य होता है वो उसकी सोच को परिलक्षित करता हो, चाहे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हो या माननीय मदनी जी। अच्छा, यह उनकी सोच को व्यक्त करता, मैंने अपने एक लाइन के वक्तव्य से बोल दिया है, ये केवल समय का उन्माद उठाने के लिए और छद्म प्रसिद्धि पाने के लिए केवल कुंठित मानसिकता से दिया गया एक विरोधाभासी बयान है। अच्छा, जिसका भारतीय जनमानस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब गौरव भाई आप भी जानते हैं कि किसवीं सदी का भारत है, भारत में बात होनी चाहिए शिक्षा की, रोजगार की, तरक्की की, उन्नति की, टेक्नोलॉजी की, और ये सब बोलने से आप कोई जानता नहीं है। देखिए अब आप मैं अगर कह दूं मैं देशबंधु श्रीवास्तव हूं या आप कह दें आप गौरव दीक्षित हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप पर बिल्कुल सही बात है। भारत जो है हमेशा से एक अनेकता में एकता का प्रतीक रहा है, यहाँ सभी जाति धर्म संप्रदायों को अपनी अपनी अभिव्यक्ति के हिसाब से अपने अपने ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु ईसा मसीह की पूजा करने का अधिकार है, अपने अपने ईश्वर को अपनी आस्था के साथ व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता लोग कहते हैं वही समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे की कोई अहित ना हो। अच्छा। और ये मदनी साहब का वक्तव्य जो है ये केवल जहर समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है, इसका कोई निहितार्थ नहीं,
केवल झूठी प्रसिद्धि पाने के लिए इन्होंने मनगढ़ंत कुछ भी बोल दिया, स्वामी प्रसाद ने बोल दिया। अगर हम गुड मॉर्निंग बोले, मैं एक वैज्ञानिक तथ्य दूंगा गौरव जी, अगर मैं आपको गुड मॉर्निंग कहूँ तो एवरी एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, तो आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे। ठीक। लेकिन अगर आप, मैं बड़े भाई, अगर मैं बड़ा भाई हूँ, आप छोटे भाई हैं, एक मिनट मान लें, या आप बड़े हैं मैं छोटे हैं, मैं आपको प्रणाम करूंगा तो उसका रिएक्शन प्रणाम नहीं होगा जी, उसका रिएक्शन या तो आशीर्वाद होगा या जो है शुभकामनाएं। क्या बात। तो ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है कि हम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करके एवरी एक्शन रिएक्शन करें, या प्रणाम करके आशीर्वाद शुभकामना शुभेच्छु शुभकामनाएं प्राप्त करें। और हमेशा मैंने देखा है विपक्षी पार्टी जब भी चुनाव नजदीक आने वाले होते हैं, ये विपक्षी पार्टी का आगामी विपक्षी पार्टी थोड़ी ना है, विपक्षी पार्टी। अच्छा, ये विपक्षी पार्टी कौन सी है? विपक्ष की पार्टी, आप नाम नहीं लूंगा, आप स्वयं समझदार हैं, इतने विद्वान पत्रकार हैं, ये लोग जातिवाद और धार्मिक उन्माद के नाम पे, अच्छा, केवल भारतवासी। और आपको बताएं, पूरे विश्व में, अच्छा, भारत ही ऐसा है जहाँ पे देवता अल्लाह यीशु मसीह बुद्ध और बड़े बड़े लोग पैदा हुए। अच्छा, ये आपको बहुत अच्छा। दीक्षित जी, मेरा एक सवाल था आपसे। मदनी साहब बोले है कि ये देश मोदी और भागवत का ही नहीं, मदरी का भी है, तो इनको इसके मोदी और भागवत के और कोई नेता का नाम भी ले सकते थे और किसी बुद्धिजीवी का नाम भी ले सकते थे, तो केवल केवल क्या इनको इनसे दिक्कत है, इनको बताना चाह रहे थे, या इनका कहना ये है कि जिस तरह से जो सरकार चल रही है उनको उससे इन लोगों को दिक्कत है बयानों से, या मदरी साहब को लगता है कि मोदी सरकार के जो काम है वो इनके खिलाफ जा रहे हैं, क्यों इस तरह बयान दिया? और वो कह रहा है कि हमको बाहर जाने के लिए नहीं कहा जाए, हमको निकालने के लिए ना कहा जाए, इस तरह बयान क्यों दे रहा है, क्या उनको लग रहा है? देखिए, ये बात बड़ी जिम्मेदारी से गौरव भाई आपके चैनल पे जी। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमान भाइयों का है जी। मैंने पहले ही लाइन में स्पष्ट कर दिया, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने जी। उन्होंने किस संदर्भ में टिप्पणी की, माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय संघ प्रमुख भागवत जी का नाम क्यों लिया, इसका एक्सप्लेनेशन वो दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन मैं यही कह सकता हूँ, ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमान का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है। ठीक है। और देश को जोड़ने की बात हम करें जी, देश की प्रगतिशीलवादी सोच की बात करें, देश अब जो है प्रगति विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। ठीक। आप अगर धार्मिक उन्माद पर या छद्म प्रसिद्धि है तो गौरव भाई, फिर मैं इनकी कुंठा को, इनकी हताशा को, इनकी निराशा को, अच्छा, इनकी मानसिक विचित्रता पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, इनकी निजी टिप्पणी होती है, मानसिक विचित्र हो गए। लेकिन अब भारत देश अनेकता में एकता का प्रतीक है भाई, अच्छा, किसी प्रकार के जाति धर्म से आगे उठकर हमें विकसित भारत की ओर बढ़ना चाहिए। और संपूर्ण 130 करोड़ भारतवासी, सबका योगदान होता है, आपको मालूम है, छोटे छोटे। विपक्ष आपको 80-20 की राजनीति का आरोप क्यों लगाता भाई? विपक्ष आप पर आरोप क्यों लगाता, आप 80-20 की राजनीति करते हैं भाई? 80-20 की राजनीति है, वही मैंने बोला ना कि 80-20 की राजनीति का आरोप लगाने का उनकी, अब उनको बस एक ही मुद्दा मिलता है, जब चुनाव आ जाए, अच्छा, तो हमारी भोली भाली जनमानस को जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद के जहर में घोल दो और तोड़ने का प्रयास करो। पिछले 2014 से ये प्रयास ही कर रहे हैं और 10 साल हो गया, अभी 2024 में चुनाव परिणाम आएंगे जी, तो फिर जो है कमरे में बैठ जाएंगे जी, फिर विलाप करेंगे और चुनाव हारने का प्रतिक्रम मैं बता दूं, अभी से जब ईवीएम खराब हो जाएगी जी, अभी तो ईवीएम सही है, फिर ईवीएम खराब हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और फिर तरह तरह के, ठीक है, विवेक पांडे को ले लूं मैं, यही होगा। ठीक है, विवेक पांडे भाई, क्या आपकी राय? आप बड़े मुस्कुरा रहे थे देशबंधु भाई की बात पर, मैं कह रहा हूं अगर अच्छी बात कह रहे हैं तो समर्थन कर दिया करिए भाई, आप लोग क्या दिक्कत है आप लोगों को भाई? मैं पहले तो मंच पर उपस्थित पूरे पैनलों को अनुमोदन के साथ प्रणाम करता हूं और अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा जी। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही आज, मैं बहुत प्रभावित हूं इनसे। क्या बात? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अच्छा, 9 फरवरी को भाजपा सांसद सालखन मुर्मू द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वक्तव्य दिया गया, पारसनाथ शिखर पे जैन मंदिरों को अयोध्या की बाबरी की तरह ध्वस्त करने की जिसमें धमकी दी गई।
अच्छा, तो बुरा जो देखन मैं चला, मुझे भाजपा से बुरा न मिलिया कोई। अच्छा, लेकिन अब दिक्कत यह है कि अपनी पार्टी के नेताओं द्वारा दिया कोई भी धार्मिक वक्तव्य जो विभेद पैदा करता है, हाँ, उस पर बोलने का मतलब इनका राजनीतिक भविष्य भाजपा समाप्त कर देगी। जैसे सत्य बोलने के कारण हमारे गोंडा सांसद का देखे कैसे उनके आत्मसम्मान का, उनके स्वाभिमान का और उनके सबसे बड़ी बात चरित्र का दोहन किया करने का प्रयास इन्हीं भाजपा वालों ने करने बीजेपी कराई है उचित प्रयास किया। भाई देखिए सीधी सी बात है, जांच उठी थी, जांच ठंडी हो गई। अच्छा, सरकार किसकी थी, जांच कर कौन रहा था? अच्छा, और भाजपा की कार्यप्रणाली वो न समझ रहा हो जो बेचारा मासूम हो, हम तो राजनीतिक गलियारों से आने वाले लोग हैं। अच्छा, तो हम तो जानते भी है, देखिए बीच में ना बोलिए, देखिए आपको जितनी आपत्ति आप दर्ज कराइएगा मैं अपना बोल नोट कर लीजिए, आप बोलिएगा मौका दूंगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात है जी, अल्लाह अकबर के नारों से बड़ी समस्या रही, जय श्री राम के नारों से लेकिन आत्मसम्मान बढ़ता है ठीक, लेकिन अल्लाह अकबर का मतलब क्या है कि मुस्लिम संप्रदाय का अर्थ ये होता है कि अल्लाह महान है, तो आप इसमें शर्मिंदगी महसूस क्यों करते हैं? विपरीत धर्म पे कुठाराघात करने से अच्छा अथर्ववेद की पुस्तक 20 अध्याय 58 श्लोक 3 पढ़ लीजिए, जिसमें लिखा है देव महाओसी, मतलब ईश्वर सबसे महान है। और एक बता दूं मैं आपको, उदाहरण लेकर के आया हूँ, छंदों के उपनिषद अध्याय 6 भाग 2 श्लोक 1, क्या बात, एकम ब्रह्मद्वित द्वितीय नास्ते ने नए नास्ते नास्ते किंचन यजुर्वेदम, मतलब भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है, वह सिर्फ एक ही है, बगैर दूसरे किसी के नहीं है। तो मुझे लगता है जब अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे, अपने सनातन पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, राजनीतिक मानसिकता से हटकर चिंतन करेंगे, तब तो अपने धर्म पे अहंकार और स्वाभिमान महसूस करेंगे ना। अपने इतिहास को जब जानते ही नहीं, अपने वर्तमान को पहचानते ही नहीं, तो भविष्य तो अंधकार में होना ही है। मानसिकता तो धर्म और धर्म की राजनीति के कुचक्र विभेद तक सीमित रह जाएगी। चलिए पहली बात हो गई मेरी। दूसरी बात मैं कहता हूं, अभी बहुत जो मद्दी साहब ने कहा, मैं कहता हूं अगर ओम और अल्लाह की बात आ जाए, ओम और अल्लाह की बात आ जाए, तो ये तो समन्वयता की बात है, धर्म निरपेक्षता की बात है। इसमें इतना ज्यादा द्रोह पैदा करने जैसा कौन सा वक्तव्य उन्होंने दे दिया जिसके कारण आज भाजपा वालों के पेट में दर्द हो रहा था? भाई मैं तो ये सवाल उठाऊंगा गौरव भाई आपके मंच से, जिस दिन कपिल मिश्रा कह रहे थे कि पाकिस्तान जाकर के खुले में नमाज पढ़ने वाले पाकिस्तान चले जाए, मेरठ के एसपी अखिलेश नारायण सिंह की वो बात याद होगी, नागरिकता संशोधन कानून में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने वालों को उन्होंने कहा था पाकिस्तान चले जाए, नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल जैसे लोगों के वक्तव्य भी याद है। तो मुझे लगता है कि जब इनके बयान आते हैं, अच्छा, तब तो अभी तक तो एक विपरीत धर्म के विरुद्ध चल रहे थे, लेकिन अब इनका थिंक टैंक, इनकी सबसे बड़ी बैसाखी, इनकी सबसे बड़ी सखी जो आरएसएस है, अच्छा, उसने तो ब्राह्मणों को भी अपमानित करने का कार्य किया, अच्छा, अब इन अज्ञानी व्यक्तियों का जो समूह है जो धर्म के ठेकेदार बनकर के आए हैं, जो कि शंकराचार्य जी के मृत्यु पर जिन्होंने राष्ट्रीय शोक तक घोषित नहीं किया और ब्रिटेन की महारानी के चरणों में नतमस्तक होने के लिए राष्ट्रीय शोक हुआ था जब उनकी मृत्यु हुई थी, संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन कितनी दुखद बात है अपने धर्माचार्य के मृत्यु पे किसी को राष्ट्रीय शोक नहीं चाहिए था जिन्होंने राम मंदिर का आंदोलन खड़ा किया था। अच्छा। लेकिन इनको बता दूं मैं, चलिए ठीक है, क्योंकि भाजपा वालों की डिग्रियां अधिकतर संदिग्ध पाई जाती है, तो मैं बता दूं मनुस्मृति में जो भी लिखा गया था वो राजा सत्यव्रत, मनु राजा सत्यव्रत ने लिखा था जी। तो मुझे लगता है कि अब पहले तो ये जवाब मुझे ये दे दे, क्या आप ब्राह्मणों को भी हिंदू मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्योंकि जब ब्राह्मणों के ऊपर सवाल उठा, एक भाजपा का नेता चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे किसी वर्ग का हो, किसी की हिम्मत नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, आत्मशक्ति नहीं थी कि सामने आकर के विरोध दर्ज करा सके। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आलोचना तो छोड़ दीजिए, विरोध दर्ज कराने तक की औकात नहीं किसी भाजपा नेता की, वरना जानते हैं भविष्य समाप्त कर दिया। अच्छा अच्छा, ये बद्री साहब ये क्यों बोल रहे हैं कि हमको जाने के ना कहा जाए, कौन कह रहा जाने को? जाने के वक्तव्य तो भाजपा के कई नेताओं ने दिए। अच्छा। भाई जैसे नंदकिशोर गुज्जर इनके एक विधायक हैं, वो अच्छा। कहते हैं मुस्लिम के बच्चों का एनकाउंटर करो। अच्छा। भाई इनके एक आपको याद होगा सांसद महोदय जो आर्थिक बहिष्कार करते हैं, हाँ। सोम सिंह राणा के वक्तव्य, कपिल मिश्रा के वक्तव्य, एक गिरिराज सिंह है उनके वक्तव्य, ऐसे कई फेरिस्त है बहुत लंबी। आखिर क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी जी को ये कहना पड़ गया आकर के, और सोशल डोमेन में है कि मुस्लिम नेताओं के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी भाषणबाजी भाजपा नेता ना करें। इतनी पीड़ा, इतनी संवेदना, इतना दुख
व्यक्त करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी अगर प्रधानमंत्री को लगता है देश के राजा में माहौल क्या दिक्कत एक वर्ग विशेष के खिलाफ बनाया जा रहा अच्छी बात है ना आपको उनके बयान से दिक्कत होगी क्या नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ उन्होंने अगर ये बयान सार्वजनिक दिया होता सभी के लिए तो समझ में आता उन्होंने केवल भाजपा नेताओं के लिए ये बात व्यक्त की थी तो भाई कहीं ना कहीं उनको ये बात समझ में आ रही है कि 24 की राह अब पाकिस्तान चीन बांग्लादेश इस पे नहीं चलेगी विकास के मुद्दे पे बात होगी आर्थिक मुद्दों पे बात होगी महंगाई के मुद्दों पे बात होगी रोजगार के मुद्दों पे बात होगी बेरोजगारी के मुद्दों पे बात होगी शिक्षा पे बात होगी चिकित्सा तो आपके नेता तो धर्म पे बात होगी पे बात होगी पर बेबे भाई आप तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं पर आपके नेता तो धार्मिक मुद्दे पे उलझे हुए हैं प्रधान मौर्य रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो रामचरित मानस के ऊपर जा ही नहीं पा रहे मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से बात नहीं की मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से आपसे एक बात आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ क्योंकि ये डिबेट चर्चा का विषय बना हुआ है क्या बात है कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया उस पे हमारे पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने आकर के उसका विरोध दर्ज कराया मानते हैं बोलिए ना आप ना तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि आपने भी देखा वाइट आपने भी चलवाई है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी और आदरणीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनको जातिगत जनगणना पे सक्रिय होने के लिए कार्य करने के लिए कहा है जो कि उनका सीधा निर्देश है रही बात इसके अलावा बयान मत दे मेरे बयान आने दीजिए जी और इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर धर्म से जुड़ा रामचरितमानस से जुड़ा कोई बयान देते हैं तो वो उनका व्यक्तिगत बयान है मैं स्वयं इस मंच पे बैठ करके खंडन करता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेताओं को बोल सकते हैं तो आप भी अपने नेताओं से बोल सकते हैं इस तरह बयान में जरूरत क्या है आपने तो अच्छी बातें कही बेरोजगारी पर गरीबी पर सड़क पर विकास पर चुनाव होगा और यहाँ पर चुनाव हो रहा है केवल धार्मिक नहीं मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से ये कहना चाह रहा हूँ हम तो MY फैक्टर के लिए बदनाम किए गए हमको तो लांछित किया गया कि MY फैक्टर भाई कौन चला गया पशमानदा समुदाय का सम्मेलन करवाने अब दिक्कत हो रही क्या नहीं बिल्कुल नहीं दिक्कत हुई लेकिन आप तो उसी परिपाटी पे चल रहे हैं बात आ जाए मैं तो कह रहा हूँ कि उसी परिपाटी पे आप चलने का प्रयास कर रहे हैं आपने जो नारों की राजनीति शुरू की अब कई ऐसे छोटे छोटे दल कई छोटे छोटे संगठन जो नारों की राजनीति करते करते अपने आप को बीजेपी मुसलमान पर जा रहे तब भी आपको दिक्कत है चाहते क्या है मुझे दिक्कत इस बात से है कि इन्होंने एक तरफ धर्म का चोला ओढ़ लिया एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लिए कहीं ना कहीं अराजक माहौल खड़ा किया और आज इन्होंने उसमें ब्राह्मणों को भी शामिल कर लिया मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्या ब्राह्मणों को हिंदू मानते हैं या नहीं मानते हैं अगर मानते हैं तो किसी एक भाजपा के नेता की औकात क्यों नहीं हुई विरोध दर्ज कराने की मैं तो जिम्मेदारी से कहता हूँ कम से कम समाजवादी पार्टी की लोकतंत्र की खूबसूरती देख लीजिए कि जिसको विरोध दर्ज कराना है वो खुलेआम विरोध दर्ज कराता है और खुलेआम वो विरोध भी दर्ज करा रहा है आलोचना भी करता है लेकिन भाजपा के अंदर देखिए मुंह मियां मिट्टू बनने वाले अंगूर न मिले तो खट्टे करने वाले आज बेचारे बोल तक नहीं पा रहे इतने मजबूर कर दिए गए विवश कर दिए गए और जिम्मेदारी से सुन लीजिए हमारे पार्टी में तो किसी नेता का भविष्य खतरे में नहीं है क्योंकि जनता उसके क्षेत्र की उसके साथ ठीक है जी लेकिन भाजपा में इम्पोर्टेड नेता चलने वाले आखिरी सवाल अंगूर किसके लिए खट्टे हैं भाई अंगूर तो वो समझे जो कि भाजपा के गुंडे कहे जाने वाले नेताओं से अपनी पार्टी चला रहा है चलो ठीक है अंगूर किसके लिए खट्टे ठीक है पवन निश्चित गाजियाबाद से कांग्रेस प्रवक्ता अपन भाई कैसे देखते हैं जिस तरह की बयान चल रहे हैं उस बयानों का क्या जरूरत है क्योंकि यहाँ पर इतना तो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी का मानना था कि पूरे देश को जोड़ा जाए एक साथ किया जाए जो इस नफरत की आंधी चल रही उसको हटाया जाए पर इन तरह के बयान जो इस तरह मजली साहब दे रहे हैं क्या जरूरत है बयानों की और निश्चित से इन बयानों का केवल एक ही फलसफा होता है विवाद आरोप और प्रत्यारोप कैसे देखते हैं आप जी गौरव भाई आपको नमस्कार जी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार देखिए मैं चूंकि मौर्य जी का जिक्र आया तो तुलसीदास जी का फिर दोबारा से 15 दिन पहले हम और आप डिबेट कर रहे थे उसी चीज में दोबारा से शुरू हो गया तो तुलसीदास जी की थोड़ी चौपाई है उसको बोल देता हूँ जी बोलिए तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान जी पाप पुण्य दो बीज है बुवे सब लूने दान क्या बात देखिए रामचरित मानस की इन बातों से साफ पता लगता है पाप और पुण्य ना दो बीज है आप कैसा बोते हैं वैसा आपको निदान मिलने वाला है मौर्य जी 40 साल से राजनीति कर रहे थे इनके मुंह में दही जमा हुआ था और ये जब से आज तक इनको रामचरितमानस की चौपाई कोई दिखाई नहीं दी क्योंकि ना तो ये समाजवादी है ना ये बहुजन समाजवादी है ये दरअसल की स्वयंवादी है इनकी बिटिया रानी भाजपा में है ये समाजवादी में है और समाजवादी पार्टी में अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए इन्होंने चीजों वाहिया सी चीजें शुरू की है और मैं अपने भाई विवेक जी की बातों को बिल्कुल सही तरीके से कहता हूँ कि हाँ समाजवादी पार्टी के कई लोग इससे क्षुब्ध हैं और उन्होंने इसका विरोध भी दर्ज कराया है लेकिन विवेक भाई पूरी तरह ऐसा नहीं है अगर अखिलेश जी एक बार बोल देंगे
तो हिम्मत नहीं है मौर्या जी की जो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। मैं अभी प्रीवियस 5 मिनट पहले दूसरी डिबेट में था, आपको पता ही गौरव भाई, वहां भी इनकी एक समाजवादी पार्टी की नेता थी और वो जिस तरह से बात कर रही थी, क्योंकि मैं ब्राह्मण था, प्रवक्ता था और एक पत्रकार साथी थे वो ब्राह्मण थे, उनकी बातों से इनडायरेक्टली जो लग रहा था वो बड़ा क्षुब्ध करने वाली बात है। अच्छा। ये नहीं कर रहे, ये गलत है। आप समाजवादी पार्टी भाजपा को वॉकओवर दे रही है इस तरह की चीजों से। अच्छा। ये आज के जमाने में ये बातें करने वाली ही नहीं है। अच्छा। तुलसीदास जी ने जिस मंतव्य से 400 साल पहले जो बातें लिखी थी, आज हम उन चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि डिस्कस करने वाली बात नहीं है, पहली बात। अब दूसरी अरशद मदनी जी वाली बात पर आ जाऊं। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने साथ वीडियो देखा ही नहीं अरशद मदनी जी का, क्योंकि मैं पूरी डिबेट में उनके वक्तव्य को सुन रहा था। उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि अरशद मदनी जी ने एग्जैक्टली बोला क्या था। अच्छा। मुझे बताइए, ओम निरंकार नहीं है गौरव? हम और आप या हम सारे जितने भी हिंदू हैं जी, हम सुनते रहे ना जी, निराकार है, निरंकार है, बिल्कुल जी, कण कण में भगवान है, बिल्कुल हर जगह। कौन सी चीज ऐसी है जहां पर भगवान नहीं है, जहां ओम विराजमान नहीं है? बिल्कुल। मैं एक बात बताइए, किसी मुस्लिम के यहाँ कोई अगर मृत्यु हो जाए तो मैं ओम शांति बोलता हूँ ना, सभी बोलते हैं भगवान की आत्मा को शांति दे, तो क्या वो मुस्लिम विरोध करेंगे कि नहीं तुमने तो अल्लाह की बोलना है, या थैंक गॉड बोलते हैं हम, ओ गॉड बोलते हैं? अरे ये सबकी अपनी अपनी सोच है, किसी को कोई ओम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई यीशु बोलता है, कोई वाहेगुरु बोलता है जी। इसमें अरशद मदनी ने क्या गलत बोला? देश को बांटने की बात कर रहे हैं, फलाना भगा रहा है, भाजपा के भाई साहब को ये पता नहीं है कि उन्होंने बोला क्या था। मुझे ये बताइए कि उन्होंने ऐसी कौन सी बात बोली थी जिससे ये लगे कि वो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं? उन्होंने तो मोहन भागवत जी की भी तारीफ की थी, उन्होंने बोला था मोहन भागवत जी देश को जोड़ने के, लोगों के लिए, मुसलमानों के पक्ष की बात कर रहे हैं, बहुत स्वागत की है, कोई जिक्र नहीं आया। उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार देने की बात की, मुस्लिमों में कोई बात नहीं आई। उन्होंने शत्रुता खत्म करने की, नफरत की राजनीति नहीं करने की बात बोली, वो कोई बात नहीं आई। उसने मुसलमानों को, उन्होंने आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई पर जोर दिया, उसकी कोई बात नहीं आई। बात मेरी समझ में नहीं आई कि कौन आई। और ये जो 4-6 धर्म गुरु लोग होते हैं, ये कुछ लोगों के गुरु होते होंगे, ये हिंदू धर्म के टोटल के ठेकेदार नहीं है भैया गौरव जी, ना ये मेरे ठेकेदार है ना आपके, हो सकता किसी को। अच्छा, मैं सिंपल सी बात हूँ, धर्म गुरुओं को हिंदू धर्म का कोई ठेका नहीं है कि वो जो कोई बात बोलेंगे तो वो कोई फतवा हो जाएगा। अच्छा, हिंदू धर्म में ऐसी छूट नहीं है। अच्छा। मैं सिंपल सी एक बात कहता हूँ, आप अच्छी बातें कीजिए, अच्छी बातें बोलिए, मुझे बताइए कि वहां से ऐसी बातें चॉइस। मैं तो सुबह से ये चीज सोच रहा हूँ, उस वीडियो को 4 बार देख चुका हूँ कि अरशद मदनी जी एज ए इंडिविजुअल, एज ए हिंदू, मैं कौन सी बात को ऑब्जेक्शन करूँ कि इन्होंने ये बात गलत बोली है मेरे धर्म के लिए? क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? क्या मैं धार्मिक नहीं हूँ? क्या मैं अपने धर्म के प्रति आस्था नहीं रखता? सब चीजें हैं, लेकिन मुझे ऐसी नहीं लगती कोई बात कि जो उन्होंने देखो इसको बढ़ावा ना दिया जाए जी। फायदा या नुकसान इन्होंने तो सीधे बोल दिया जी। अभी पहले तो बहुत धार्मिक बातें की भाजपा के साथी ने, उसके बाद में लास्ट में यू टर्न लेके 2024 का चुनाव आएगा, सब रोएंगे, सब हार जाएंगे और हम जीत जाएंगे। देखा, समाजवादी पार्टी के साथी ने नहीं बोली ये बात, कांग्रेस वाला नहीं बोल रहा ये बात, भाजपा के साथी ने घुमा फिरा के किसको मदरी साहब ये क्यों बोल रहे हैं हमको निकलने के ना कहे जाए, वो ये देश मोदी और भागवत का नहीं है। गौरव भाई प्रज्ञा ठाकुर, मैं साथ भी नहीं बोलता उस महिला को। अच्छा, साक्षी, मैं उसको महाराज नहीं बोलता। अच्छा, एक तेजस्वी सूर्या का सांसद है। अच्छा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, नवीन जिंदल और ये नुपुर, अनगिनत लोग, भाजपा के लोगों के मुसलमान के नाम पर तो गंदगी निकलती है मुंह से भाई। अच्छा, किस मुसलमान के प्रति वो लोग उनकी बातें बोलते हैं? अच्छा, आप लोग प्रेम से प्रेम निकालते हैं क्या जी? आप लोग प्रेम से बोलते हैं क्या? हाँ, मुझे बताइए किस मुस्लिम के लिए हमने बोला है, या हम किस हिंदू को ये बोल रहे हैं कि तू कहीं जा, बाहर चल, नेपाल चला जा, तो ये बीजेपी वाले बोलते, चला जा, तो बीजेपी वाले बोलते हैं क्या आप चले जाइए? भाई आपने भाषण नहीं सुने? सुना, मैंने सुना। हर बात में गौरव भाई सुनिए, मजाक की बात जी, आप और मैं भी जरा सा बोल के दिखाएं किसी भाजपा के साथी के साथ, 15 मिनट बाद वो बोल देता पाकिस्तान चला जा भाई। अच्छा, ये होता है भाई। अच्छा, पाकिस्तान याद जा रहा आपको, देशद्रोही 1 मिनट में दे दिया जाता है। इनके पास में तो यूनिवर्सिटी इस तरह की है। अच्छा, इनके पास में मेडल्स और डिग्रियां ऐसी है। 1 मिनट में देशद्रोही, 1 मिनट में वीजा लगा देंगे पाकिस्तान का। अच्छा, ये
ये झूठी डिग्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस की। अच्छा। इनके पास में सारा ताना माना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इस तरह से है। अच्छा। ये एक ऐसा विभाग लेकर के बैठे हुए हैं लोग। अच्छा। कि इन्हें ना तो देश के बारे में सोचना है, ना देश की एकता अखंडता के बारे में सोचना है, ना विकास के बारे में सोचना है, ना बेरोजगारी के बारे में सोचना है, ना अदानी के बारे में कोई जवाब देना है। इन्हें क्या करना है, इन्हें तो मुस्लिम वाली अफीम पुड़िया मिल जाए और ये मदमस्त। अच्छा ठीक है, देखिए मैं एक बात कहूंगा और भाई, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया जी, इस देश की राजनीति में ये सब चीजें अब खत्म होनी चाहिए। ये कहीं भी मैटर नहीं करती हैं। हम और आपने ठीक है हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत देख ली, अगली जनरेशन को ये सब चीजें हम ना करें। इस देश का सिवाय नुकसान होने के और भाई कुछ नहीं होने वाला। आप और हम भी 20 साल बाद मिलेंगे, अगर यही विष फैलता रहा तो पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। जैसे सीरा जिस खेत में डलता है ना और भूमि बंजर हो जाती है, वही इस देश का हाल होगा भाई। और इस बात को मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ गौरव भाई, हम आप और बहुत सारे ऐसे लोग भाजपा में भी हैं जी, जो लोग हैं, हम इस चीज को नहीं होने देंगे। एक कुछ क्षण मंगूर के लिए कुछ चीजें आई हैं और हिंदू मुस्लिम की परिभाषा में आपको बताऊं, इस देश में जी खुद भारतीय जनता पार्टी को 14 साल बाद यूपी में सत्ता मिली थी 2017 में, और 2014 साल से पहले भी बहुत लंबे समय के लिए नहीं मिली थी जी। बिल्कुल 55 वर्ष कांग्रेस ने किया, 77 सालों में, 75 से ज्यादा सालों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा शासन करने को नहीं मिला। इस देश में लोग जानते हैं, एक क्षण भंगुर एक चीज आई है जी, लोगों के दिमाग से वो निकलने लगी है। अच्छा। बस मेरा कहना यह है कि राजनीतिक रूप से हम विरोध करें, देश के बारे में बात करें, विकास नहीं हो रहा हम उसके बारे में बात करें, हम घेरे केंद्र और प्रदेश सरकार को जो देश की नीतियों के लिए नहीं चल रही है, हम हिंदू मुस्लिम की बातें ना करने दें ना होने दें। ठीक है ठीक है। इस्लामिक स्कॉलर अमर भाई, अपने क्या दिक्कतें हैं और क्या जरूरत है इस तरह के बयान की? दूसरी चीज ये बात है कि इन बयान का मेन उद्देश्य क्या है? जैसा कि पवन दीक्षित बोल रहे थे कि उनके बयान में कोई खराबी नहीं है, वो सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे हैं, सब धर्म को एक बोल रहे हैं, ओम अल्लाह एक बता रहे हैं, अपने धर्म को पहले बता रहे, सबसे पहले आया था, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपकी क्या राय है और इस तरह बयान से मदनी साहब का क्या उद्देश्य है? गौरव जी बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहस में शामिल किया। देखिए पहले तो आप अरशद मदनी का इतिहास पढ़िए कि अरशद मदनी है क्या और उनकी जमात जिस संस्था से इनका संबंध है। अच्छा। जमीयतुल उलमाए हिंद जी, इसका क्या अब तक खाका रहा है या इनकी क्या गतिविधियां रही हैं या इनकी क्या कार्यशैली रही है? देखिए गौरव जी, जब देश आज़ाद हुआ तब से वो आज तक मुसलमानों ने अपनी संस्था इनको नहीं माना। अच्छा। इस संस्था को ना ही इनको अपना नेता माना। अच्छा। अब एक नजरिए के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक। और आप देखिए इसी साल 9 राज्यों को चुनाव होने हैं, अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। आज अभी इनका आज कल का बयान है ये, इससे अभी कुछ दिनों पहले मोहन भागवत जी ने बयान दिया था, उससे पहले भी एक मोहन भागवत जी ने बयान दिया था जी। तो कुल मिलाकर के गौरव जी जमीयत उलमा हिंद की ORSS की नूरा कुश्ती चल रही है। अच्छा, एक साथ है? बिल्कुल एक साथ है। और जमीयत उलमा का जहां तक मामला है तो आप इनका फिर मैं आपसे एक बात दोहरा दूंगा, इनका इतिहास पढ़िए। इनका इतिहास ये रहा है कि ये हमेशा सरकार की तंजीम रही है। अच्छा, तंजीम और तनखैया तंजीम रही है सरकार की, बाकायदे जो सरकार चाहती है वो इनसे बुलवाती है, ये कड़वा सच है। अच्छा, स्किप ले रही थी क्या इनको? आप इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो तब भी देख लिए, ये कांग्रेस के भी तनखैया तंजीम रहे हैं, मतलब इनकी संस्था ने उनके लिए काम किया। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब भी काम कर रहे हैं। अभी आप एक संस्था और है देश के अंदर जिसको कहा जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। क्या बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाम तो उसका है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, लेकिन उसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही नजरिए के लोगों की तादाद संख्या ज्यादा है। अच्छा। लेकिन उनका भी यही काम है कि जब जो सरकार चाहती है कोई मसला आज तक मुसलमानों से संबंधित ना तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हल किया है। अच्छा। ना जमीयतुल उलमा हिंद ने हल किया है। आप पूरा इनका इतिहास उठा के देख लीजिए और ये बयान भी कहीं ना कहीं इस राजनीति से प्रेरित है। अच्छा। इनके इस बयान से किसी राजनीति प्रेरित है वो भी बता दीजिए। जाहिर सी बात है कि सरकार ने जो चाहे वो इनसे बयान दिलवाया है। और बाकी जैसे पवन दीक्षित जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही और हमारे और भी पैनलिस्ट बैठे हैं, हमारे विवेक पांडे जी बैठे हैं, विकास मिश्रा जी बैठे हैं, ये बताइए कि ओम अल्लाह उनका है कि एक ही है, जबकि हमारा मानना ये है कि जैसे ओम लिखा जाता है संस्कृत में प्योर, उसी तरीके से हमारे यहाँ अरबी में अली लिखा जाता है। क्या बात, तो ओम और अली, मनुष्य और मनु, जैसे वो कहा गया मनु जो है वो मनुष्य हो गया, आदम से आदमी हो गया है। बिल्कुल एक बात तो यहाँ पर क्लियर है गौरव जी। अच्छा। कि इस धरती पे सबसे पहले आदम आया, यह बात मुझे लगता नहीं है कि कोई इससे इनकार करेगा। अच्छा। आदम आदमी जो है, आज हम या आप कोई भी हो, ये सब आदमी अगर आदम से हैं, लेकिन उसके आदमी तो पहले आया, उसके बाद बना फिर वो इंसान। अच्छा। और जिस आदमी में इंसानियत नहीं है फिर वो आदमी रहेगा, इंसान नहीं रहेगा। क्या बात, और आजकल आदमी ज्यादा दिख रहे हैं,
इंसान कम दिख रहे हैं गौरव जी, इंसानियत नाम की अब कोई चीज मुझे नहीं लगता है कि आपको देखने में मिल जाए या बच्ची हो। तो आदमी तो हर वो व्यक्ति है जो आदम की औलाद है, तो आदम की औलाद में आदमी होना तो स्वाभाविक है, लेकिन इंसान होना ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा। इंसान जब होता है तो उसके बाद फिर वो संत भी बन जाता है, फिर वो सूफी भी बनता है, लेकिन जब इंसान नहीं होगा तो ना वो सूफी बन पाएगा गौरव जी, ना वो संत बन पाएगा। तो इसलिए इनके बयान में अगर देखिए, विरोध तो हर चीज का हो जाए, आपसे अगर मुझे मोहब्बत है तो आप यहाँ पर लड़की छेड़ देंगे तो मुझे रासलीला दिखेगी, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ गौरव जी मैं। और आपसे मुझे अगर नफरत है तो आप यहाँ रामायण पढ़ लोगे तो मुझे मक्कारी दिखेगी। यह है सच्चाई कि जब मोहब्बत और नफरत ये दो नजरिए होते हैं, आप इन दो नजरियों में जिस नजरिए से जिसको देखेंगे आपको वो दिखेगा। हमारे अपने एक चाचा का, मेरे चाचा थे, उनका एक दुआ है कि एक ही मंजिल के लिए मोटर रेल जहाज, इतने मजहब क्यों बने, ये भी खुल गया रास। जाना एक ही जगह है गुप्ता गौरव जी। अच्छा। और आए भी एक ही जगह से हैं, तरीके अलग अलग हैं। अच्छा। कोई हवाई जहाज से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, तो कोई अपनी कार से जा रहा है। अच्छा। यही हाल है कि तमाम दुनिया में, ये हमारे हिंदुस्तान की वास्तव में खूबसूरती है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमारे यहाँ मजहब हैं। ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्धिस्ट भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, तमाम तरीके के लोग, यहूदी भी कुछ कहीं कहीं पाए जाते हैं। तो तमाम मजाहिब के लोग हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन जो अखंड का नारा देते हैं, अखंडता का, वही गौरव जी देश को खंडित करने की बात करते हैं और देश को खंडित करने की पूरी तैयारी करे हुए हैं। बड़ी बड़ी अरशद मदनी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अरशद मदनी का कोई वैसे तो हमारी अरशद मदनी के नजरियात में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन अरशद मदनी यहाँ तक बयान की बात है गौरव जी। हाँ। तो अभी हमारे पवन जी ने भी कहा है, विवेक जी ने भी कहा है। हाँ। तो मुझे और जहाँ तक देशबंधु का मामला रहा, भाजपा के नेता है, उन्होंने अरशद मदनी पर तो बात करी है, लेकिन अभी चंद दिनों पहले उन्होंने पंडितों पर भी सवाल निशान लगाया था मोहन भागवत जी ने, उस पर उन्होंने कोई बात नहीं करी। मोहन भागवत जी ने भी कहा था मुसलमान अपने को पूर्ववर्ती ना समझे, मुसलमान मैंने आपके भी चैनल पर और भी चैनलों में डिबेट हुई, मैंने पंडित आज के दौर में किसको कह रहे हैं? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मेरे सवाल पंडित, आज ये तो आरएसएस के एक नेता है, उनका बयान आया था तो आरएस के मोहन भागवत के बयान को गलत ना लिया जाए। नहीं नहीं नहीं, आरएस देखिए, पहली बात तो आरएसएस जो संस्था है गौरव जी, आप देखिए तमाम दे, मैं बहुत स्पष्ट और बड़ी जिम्मेदारी के साथ गौरव जी एक बात कह के जा रहा हूँ, जल्दी बोले कि आरएसएस जितने भी अब तक देश के अंदर बम धमाके हुए हैं, अच्छा, सब आरएसएस के लोगों ने करे, कौन सी बात है, तमाम सबूत है, नहीं हो रहे तो आरएसएस के लोग बम धमाके आरएसएस से कराए थे क्या? अच्छा, मालेगांव में बम धमाके किसने कराए थे आप बताइए? टोपियां दाड़ियां निकली थी, किसकी निकली थी? हैदराबाद में बम धमाका किसने करा था? ख्वाजा साहब के नहीं, अजमेर शरीफ में बम धमाका किसने किया था? लखनऊ की क्या नाम हाईकोर्ट में बम धमाका किसने किया था? तमाम आरएसएस के लोग, तमाम आरएसएस के लोग पकड़े गए थे, अरे देश बंधु जी सुन लीजिए, तमाम आरएसएस के लोग पकड़े गए थे, तमाम आरएसएस के लोग पकड़े गए थे, अरे सुन लीजिए देश बंधु जी, भागिए नहीं सुन लीजिए, भागिए नहीं सुन लीजिए, भागिए नहीं, तमाम सबूत है राजनीतिक दल तो हूँ नहीं जी। जहाँ रही मदनी जी के वक्तव्य की बात जी, शुरुआत में जो हमने उनका वक्तव्य सुना जी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था एकता और अखंडता की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बोला वो उनकी अपनी सोच है जी, और ऐसे सोच से मैं समझता हूँ चाहे सनातन धर्म के धर्मगुरु हों या इस्लाम के उलेमा हों जी, उनको बचना चाहिए। आज का समय क्या चाहता है, आज के समय की मांग क्या है, इसको देखना चाहिए, एकता अखंडता के बारे में बात करनी चाहिए जी। यहाँ तक कहना कि ओम और अल्लाह एक है, तो देखिए एक अच्छी सोच को दिखाता है कि भाई हम ओम मानते हैं, साबरी भाई अल्लाह को मानते हैं, हम दोनों भाई भाई हैं और साथ में चल रहे हैं, बड़ी खूबसूरती बात है, बड़ी अच्छी बात है। परंतु यदि मैं इस पे अड़ जाऊं कि भाई ओम बड़ा है और साबरी भाई अड़ जाने अल्लाह बड़ा है, तो ये एक विवाद पैदा करता है। कोई भी धर्म, कोई भी संस्कृति हो, वो हर एक इंसान के धर्म और संस्कृति और एक इंसान के
विचारों को, उसका उस व्यक्तित्व को सम्मान देने के लिए कही जाती है। अच्छा। जब आप सामने वाले को सम्मान प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर पे आप सम्मानित होंगे, यदि आप अपमान करेंगे तो अपमानित होंगे। कहते हैं चमन में खिलने वाले गुलों के रंगों भू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। जब एकता के साथ चलेंगे तभी खुशबू बिखरेगी, अखंडता के साथ चलेंगे कभी खुशबू नहीं बिखरेगी। यहाँ पर ये बोलना कि श्री राम पहले आए कि शिव पहले आए कि विष्णु पहले आए, इस तरह बयान जरूरत क्या है, कौन पहले आए, इस पे जरूरत क्या है डिबेट करने की, इस पे बयानबाजी जरूरत क्या है विकास भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है। निश्चित आप, आप सर्वधर्म की बात करिए, आप सबका मालिक एक की बात करिए, आप भाईचारे की बात करिए, पर कौन पहले आया कौन बाद में आया, इस तरह के बयानों की आवश्यकता फिलहाल मेरे ख्याल से फिलहाल देश में नहीं है। देखिए क्या हुआ भैया, पिछले कुछ समय से थोड़ा माहौल अच्छा चल रहा है, भाई भाई एक साथ चल रहे हैं, अच्छा। किसी तरीके को विवाद आपस में नहीं दिख रहा है, तो इससे कुछ लोगों को तकलीफ होती है, उनको उन्माद फैलाना है, अच्छा। तो उसके लिए एक वक्तव्य देना है और उसके बाद अपने राजनीतिक रोटियां सेकनी है, अपने को आगे दिखाना है, अपने को एक स्थापित करना, अपनी आइडेंटिटी देनी है कि हम भी इस देश में मौजूद हैं। अब वो अच्छे वक्तव्य नहीं देना जानते तो इस तरह के वक्तव्य देके अपने को आइडेंटिटी देते हैं और इस तरीके से विवाद में आ जाते हैं, डिबेट चलने लगती है। मदनी साहब को जो लोग नहीं भी जान रहे, जो भूल भी चुके, तो वो भी पहचानने लगता है। जानते लोग भाई नहीं, जो लोग भाई जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन में यदि कोई नहीं पहचान रहा तो वो भी आज पहचान गया मदनी साहब भी कोई, क्योंकि उन्होंने बढ़िया बयान दे दिया और उस पर विवाद चल रहा है। देखिये क्या है, मैं कई बार कह चुका हूँ, भारत की जो भी आज वर्तमान स्थिति है उसको आगे ले जाने के लिए, उसके विकास के लिए आज की जो जनरेशन बड़ी हो रही है वही जिम्मेदार होगी। उसको किसी भी तरीके के धार्मिक उन्माद में ना फैलाएं जी। उसको आप भारत के हिसाब से सिखाएं कि भारत के आप हैं, भारत आपका है, भारत को किस तरीके से अग्रसर कर सकते हैं, भारत को आगे कैसे ले जा सकते हैं, ये चीजें सिखाएं। परंतु आप इस तरीके वक्तव्य देते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं कहना पड़ता है मदनी साहब जैसे लोगों के लिए कि असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता, और तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। क्या बात ठीक है देशबंधु भाई, आप बड़े नाराज हो गए थे, अपनी पूरी बात कहे, आप विवेक पांडे, आमिर साबरी, विकास मिश्रा और पवन निश्चित चारों के सवालों के और वक्तव्य के आप जवाब दे सकते हैं, आपका टर्न है, बोलिए। करूंगा गौरव जी, जी ये असभ्य और घृणित जो भाषा उपयोग की गई है जी, उस पे मैं आपत्ति जताता हूँ और मैं उनको चेतावनी भी देता हूँ कि अगर इस प्रकार की डिबेट करेंगे तो एक ही शब्द आता है जी, फिर टीट फॉट एड। अब मैं संस्कृत में बोल दूंगा, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते पय अपानम भुजगनाम केवलम विश्वर्धनम। अच्छा। मूर्ख को मैं उपदेश नहीं देना चाहता हूँ। अच्छा। सटे साक्षम समाचार बड़ा कड़वा होता है, दूसरे बर्दाश्त नहीं कर पाता है आपको, सच्चाई यही है कि आरएसएस ने तमाम बम ब्लास्ट करे हिंदुस्तान में और मुसलमान युवा आतंकवाद के रूप में आज भी जेलों में बंद है और तमाम छोड़े जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पकड़ के डाला उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जो तुम लोग बार बार आते हो, मैं ये पूछता हूँ, एम वाई फैक्टर कहते हो, अभी मान्यवर कोई बोल रहे थे, अरे आप स्वामी इतने प्रशासक हो और आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं कह सकते कि मुंह बंद कर ले, एमएलसी का टिकट दे सकते हैं, वो वक्तव्य जो देते रहते हैं, लगाया गया तो आपकी आवाज जब क्या सही से नहीं देते हैं, अरे बताइए ब्राह्मणों को जब आरोपित किया गया तो ब्राह्मण हिंदू मानते क्या, ब्राह्मणों को हिंदू मानते क्या, सनातन का ज्ञान है, दर्पण का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, पुराण का ज्ञान है, बताइए ना भाई, बैठ करके केवल छवि सुधार का कार्यक्रम कर रहे हैं, करा रहे हो और अपने ही व्यापारियों को मर्द में मजबूर कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, बलिया में एक व्यापारी ने आत्महत्या कर ली लाइन गोली मार करके, उसमें तुम्हारे भाई डबल इंजन कब लगता है, जब जो मेन इंजन होता है वो खींच नहीं पाता, बैठ कर छवि सुधार पर उतरो, कभी निकल कर सड़कों पे उतर कर, 100 दिन में गड्ढे भरने के दावे करने वाले 2 दिन में गड्ढे भर दिए, मलाई चाट रहा था बैठ करके, काले पैसे का चंदा लेके और देश का पैसा लूट के वाजपेयियों का हाजमा खराब हो चुका है, और तुमको आपको बता दूं, तथ्य साक्ष्य तुम
अरे सटे साटे पढ़ते रहिए, कितने संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं, कितने संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं, कितने संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं, इसका जवाब दो। संस्कृत विद्यालयों के पुनरुद्धार के लिए क्या काम किया है? संस्कृत पकड़े आया बैठ करके आपकी बात नहीं चुप करा सकते हैं। अरे मुझे चुप करा नहीं है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस का नहीं पकड़ा है, यही हालत है भाजपा की। जाइए जा करके अपने मित्रों को ताज नगरी दिखाइए भाई। अरे जाइए सहायता बैठा करके, अरे आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा भाई, आपसे नहीं हो पाएगा। ये पहली सरकार है, निकम्मी सरकार, अपने देश के व्यापारियों के लिए कोई योजना नहीं, विदेशों से लाकर के परियोजना की बात नहीं आ रहा। नीचे बैठो। अरे कौन जानता मदनी को? देशबंधु भाई, देशबंधु जी, देशबंधु जी, देशबंधु जी, आपका फ्रेम ठीक नहीं आ रहा, थोड़ा नीचे बैठे जी। अरे इनका बस चले तो तोड़ के बाहर आ जाए, भाजपा में प्रचंड अहंकार सर पे है, प्रचंड अहंकार सर पे है, 15 साल तक जो सत्ता में नहीं थे प्रचंड अहंकार है, इनका बस चले तोड़ के बाहर आ जाए। समिट में इन देशों को बुलाया नहीं गया, समिट में भाजपा के कार्यकर्ताओं के सिवा कोई दिख नहीं रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार कभी दस्तूरदार समिट में यही लोग दिखाई देंगे कोई भाई पास नहीं मिल रहा है, विपक्षियों को पास दिखाई दिया गया, ये समिट कर रहे हैं। सबका साथ सबका विश्वास, एक काम करते हैं, लखनऊ का नामकरण कर रहे हैं, 1.25 करोड़ पासी जनता है, 1.25 करोड़ जनसंख्या है पासी की, जो पिछले वर्ष आती है एससी ओबीसी पासियों का सम्मान द्वारा राजा लखनऊ पासी के नाम पे लखनऊ का नामकरण करो करो। सबका साथ सबका सम्मान सबका विश्वास पकने में अच्छा लगता है, करते समय नियत डाल जाती है, ये ड्रम के अलावा कुछ करना नहीं आते। समिट इसलिए है ताकि लखनऊ का नाम लिया जा सके, समिट लाइन पर लीजिए, लखनऊ का नाम भाई के बेटे को बोल रहा है, और इसीलिए भाई विवेक भाई कुछ बोलना सुन लीजिए भाई, 135 करोड़ की जनता ने सुनने जवाब दे दिया, 135 करोड़ में 1.25 करोड़ की सम्मान रखो, मैं तो जिम्मेदारी से डंके की चोट पे कह रहा हूँ, पासी सवाल लखनऊ पासी जिसने लखनऊ को बनाया, जो लखनऊ की प्रशासक था उसके नाम पे लखनऊ का नामकरण किया जाए, मेरी बात है, अगर करेंगे करेंगे हम आयल की राजनीति में आएंगे, पूछिए पासी समाज से वोट लेना है, एससी समाज से वोट लेना है, पिछड़ों की बात करते हैं, सम्मान देना नहीं चाहते हैं, लखनऊ पासी के नाम पे लखनऊ का नाम रखने नहीं जाएंगे। पूछिए गौरव भाई, आप पूछिए गौरव भाई, आप पूछिए पासी समाज को सम्मान मिलेगा क्या? मैं पूछ रहा हूँ, 1.25 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, 1.25 करोड़ पासी, क्या उनको सम्मान देंगे? कांग्रेस प्रवक्ता पास चलते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलते हैं, लूट करो, पवन जी को बोला जा रहे थे, ठीक है, ये अपने काम बता रहे हैं भाई, सुन लीजिए, लूट दंगा बलात्कार, ये अपने काम बता रहे हैं, सुन लीजिए, इनके काम है आगे बढ़ रहा है क्या डिबेट में, लूट दंगा बलात्कार, ये इनका काम है, नारी की इज्जत पूजी जाती है, दिल्ली में है, कांग्रेस के नेता को बोल दीजिए, तीसरी बीघे हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, छोड़ दिया, 40 दिन बाद पांडे जी, हो गया, हो गया, हो गया, पापा नीचे सम्मान की बात करते हैं, कांग्रेस बोलिए, जसवंत भाई प्लीज, जसवंत भाई प्लीज, इधर से बैठ करके बेशक मत करो, बैठ करके मत, बेशक मत करो, बैठ करके बोलोगे मोदी पर जगमुआ पंडित बयान को, पंडितों को सम्मान कहाँ दे दोगे, पंडित होने की आवश्यकता होगी, तुम्हारी डिग्रियां चेक नहीं हो रही है, हो गया, जसवंत नीचे जी, बीजेपी प्रवक्ता आप थोड़ा रुक जाइए, होल्ड कर लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, हो गया, थोड़ा पानी पी लीजिए, बहुत धक्का हो गया, हो गया, हो गया, देशबंधु भाई संपर्क करिए, मौका दोबारा दूंगा आपको, चैनल पे ना करें, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा देशबंधु जी, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरे मैं अरे आपसे पूछ, अरे चिल्लाइए नहीं, सुन लीजिए, चिल्लाइए नहीं, अरे चिल्लाइए नहीं, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे चिल्लाइए नहीं, सुन लीजिए, अरे आप साबरी बोल रहे, अरे चिल्लाइए नहीं, मैं सवाल नहीं बोल रहा हूँ, चिल्लाइए नहीं, सुन लीजिए, अरे सुनिए तो नहीं, बिठा दिया आपने, आरएसएस के बयान पे तो मुंह से आवाज नहीं निकलती है, आरएसएस के बयान पे मुंह से आवाज नहीं निकलती, क्या ब्राह्मण हिंदू है, क्या ब्राह्मण हिंदू है, क्या ब्राह्मण हिंदू है, पहले ये स्पष्ट करो, पहले ये स्पष्ट करो देशबंधु दीक्षित, पहले स्पष्ट करो या दीक्षित लगाना बंद करो, देशबंधु दीक्षित पहले ये स्पष्ट करो
बयाना बंद करो, कलंकित किया तुमने ब्राह्मण समाज को। ठीक है ठीक है, सुप्रीम हो गया हो गया हो गया हो गया, बाकी पे मार दिया, बाकी पे मार दिया हो गया मेरी डिबेट का मजाक मत करिए आप लोग। पवन जी अपने मैन पर गए जी, पवन जी गौरव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो पिछले 15 मिनट से हो रहा है, सच बताऊं। और मैं हंसी इसलिए आ रही थी कि डिबेट के बाद में जब हमारे जो सर्कल में बच्चे लोग देखते हैं तो वो लोग बहुत इरिटेट फील करते हैं इन सब बातों के लिए। और ये जो देशबंधु जी और ये सब जो ये नूरा कुश्ती कर रहे थे ना, ये अपने बच्चों से पूछे या बहुत छोटे बच्चों से पूछे, जब ये अपनी हरकतों को दिखाएंगे तो एक भी पसंद नहीं करेगा इन चीजों को। ये जो ये हरकतें जो होती है ना, ये जो डिरेल करने की चीजें होती है, आप सही टॉपिक के लिए जो बात करने के लिए डिबेट हो रहा है, लाखों को खर्च करके डिबेट होती है, तो फिर वही रहा है क्या इस आदमी को, आगे क्या परेशानी है इस आदमी को, पकास की आग लगी हुई है इस आदमी को, पागल हो गया है क्या ये आदमी, है कौन ये आदमी, किसको भी डाल लिया गौरव आपने, तमीज नहीं है इस आदमी को, किस पक्का बोल रहा है, आप बीजेपी की आप बोले जाए ना तमीज आएगा, बोलने का लहजा है ना, पता है कुछ, चार फर्जी तरीके से श्लोक याद करके आ गया, बैठ गया बदतमीजों की तरह से, बिल्कुल जाहिल की तरह कि आप लोग यार किसी भी प्रतिष्ठित आदमी का कुछ भी बोलने चले आए, कुछ भी आ गए, चार सौ भाषाएं सीख ली हमारे यहाँ भाषा आ गई, फोटो दिखाने कांग्रेस बोल रहा है यहाँ पर, प्रवक्ता कांग्रेस पवन निश्चित बोल रहा है आपके लिए, बोलिए क्या तरीका है यार ये जी, अरे कुछ किसी को बोलने का मौका नहीं है, अपने टाइम पे बोलो यार, बात खत्म हो गई, बोले पवन जी बोलिए, पूरी बात करिए, बोलिए देखिए मैं सिर्फ ये कहूंगा ये सब चीजें नहीं है, ये ठीक है तो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हो गया, लेकिन हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे ये जाति धर्म की राजनीति, अब हमें मालूम है कांग्रेस ने 55 साल में क्या रचा है, अच्छा यहाँ पर अवसर पत्नी के बयान पर चर्चा हो रही है, कांग्रेस की चर्चा नहीं हो रही यहाँ पर, प्लीज पवन जी अपनी बात पूरी रखिए, जल्दी बोलिए जी, बोल पवन जी बोलिए, बस यही मैं कहूंगा कि अब आपका समय भी कंप्लीट हो गया है, ये सब तरह की राजनीति अब इससे उकता गए हैं लोग बाग, आप हम धर्म की राजनीति को छोड़ करके विकास की राजनीति करें, और अरशद मदनी ने क्या बोला उसको ढंग से समझे जी, उन्होंने मुझे नहीं, मैंने पूरा वीडियो में देखा, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने कहीं अपने अल्लाह को बड़ा बताया है, ओम को छोटा बताया, ऐसा मुझे नहीं कहीं लगा जी, बिल्कुल, अब होगा तो स्पेसिफिक लाइन मुझे भेजिएगा, मैं उसको कंडेम करूंगा जी, किसी का धर्म किसी से छोटा नहीं होता, ना मुस्लिम धर्म हिंदू से छोटा है, ना हिंदू मुस्लिम से छोटा है, सब धर्म सब शक्तिमान है और सब धर्म सबसे ऊंचे है सबके लिए। और दूसरी बात स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, तो ये सब चीजें समाजवादी पार्टी को सोचनी पड़ेंगी, जिस तरह की राजनीति समाजवादी पार्टी में होती रही है उससे बिल्कुल अलग स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति एक सर्टेन कुछ एक व्यक्तिगत लालच के लिए है, अच्छा। समाजवादी पार्टी को समझ के चलना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के साथ में भी सेकुलर टाइप के लोग हैं, अच्छा। तो उनसे भी कहीं ना कहीं उनकी भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से और इज्जत कहे उस तरह से कि वो क्षति होती है जी। और दूसरी बात हम चीजों को लेकर कहें जो टॉपिक रियल में है, विकास का टॉपिक है, अर्थव्यवस्था का टॉपिक है, बेरोजगारी का टॉपिक है, क्राइम रिकॉर्ड का टॉपिक है, हम इन सब पे बात करें, और जब भाजपा के साथी हो या कोई भी साथी हो वो अपने टर्न पे बात करें, ऑथेंटिक रूप से थोड़ा स्टडी करके आए, सारी बातें करें, मैं गौरव पेपर लेके बैठा हुआ था, किसी पे कोई बात नहीं हो पाई, सिर्फ वो बात है वो उन्हें लगा कि कुछ बात जवाब दे नहीं पाऊंगा, उन्होंने पूरा डिरेल कर दिया डिबेट को, लेकिन मैं मुझे हंसी भी आई कि मैं 2-3 घंटे से लगातार डिबेट में था, एंटरटेनमेंट कर दिया 15 मिनट का, बट देश एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी बैठा हुआ है, एंटरटेनमेंट तो 2014 से हो ही रहा है इस देश के साथ में, बोला करके पूरी किताब है मेरे पास, पूरी किताब है मेरे पास, अभी जो कुछ भी अभी हुआ देख रहे थे, जो भी बहसबाजी हुई उसमें एक चीज बहुत अच्छी निकल के आई, एक कबीरदास जी का दोहा पढ़ा गया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। देखिए जो भी व्यक्ति हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ढाई अक्षर है कौन से, जरा इसमें हमें ये बता दीजिए, ढाई अक्षर कौन से, आपका कहना होगा कि प्रेम है, हिंदी वर्णमाला के हिसाब से प्रेम 3 अक्षर का होता है, कि जिन
शब्दों को हम जिन अक्षरों को आधा नहीं लिख सकते उनको पाई मात्रा में लिखते हैं, लेकिन जब गिनते हैं तो आधा गिनते हैं, उस हिसाब से प्रेम तीन अक्षर का होता है। तो कौन से ढाई अक्षर है जिनकी बात हो रही है उसका ज्ञान प्राप्त करिए। मैं आपको बताता हूँ, सा दूसरे एक बात सुनना सीखिए, उसके बाद बोलिएगा मैं कोई राजनीतिक दल नहीं हूँ जो बीच में आप बोल रहे हैं, मैं कोई राजनीतिक दल नहीं हूँ, बोलना है इनकी आवाज या तो बंद कर दीजिए या फिर मुझे बोलने को ना कहा जाए, क्योंकि इनको ये पता नहीं है कि राजनीतिक दल बोल रहा है कि कोई आम आदमी बोल रहा है, आम आदमी का भी बोलना ही नहीं देना चाह रहे। दो मिनट शांत हो जाइए बंधु। अरे आप सनातन के व्यक्ति हो, सनातन संस्कार सीखो, सामने वाले को सम्मान दो, उसकी बात को सुनो तब बोलो भैया। बंधु जी खैर जो मैं कह रहा था, साधाता और या सत्य, सत्य वो ढाई अक्षर है जिनसे विश्वास उत्पन्न होता है, और जब विश्वास उत्पन्न होता है तभी प्रेम उत्पन्न होता है। और सत्य के लिए जब आप बात करेंगे तो आप किसी धर्म के लिए बात नहीं करेंगे, किसी जात के लिए बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ देश के लिए बात करेंगे, देश के विकास के लिए बात करेंगे। आप किस तरीके की बातों को बोलने का मौका नहीं देंगे, निश्चित तौर पे आप गलत कर रहे हैं। सनातन के लोगों की देखिए एक बात का विरोध नहीं करना चाहिए, पहले देख लीजिए कौन बोल रहा है। मैं कोई राजनीतिक दल नहीं था देशबंधु जी, मैं सनातन महासभा से बोल रहा था, और जो आपने दोहा पढ़ा मैं उसी के बारे में विवरण कर रहा था। सत्य के बारे में जब आप बात करेंगे सुनिए तो आप बोलने देंगे भैया, पहले पहले आप बोल रहे थे, इतनी देर तक आपने बोला, मैंने चुपचाप सुना, कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं किया। इसको कह रहा है, कहते हैं सनातन संस्कृति, सामने अलग सम्मान करना, इसको सीख लीजिए पहले, ठीक है। तो सत्य के बारे में जब आप बात करेंगे तो आप देश के विकास के बारे में बात करेंगे, क्या बात? देश के विकास में बात करेंगे तो आपके ऊपर विश्वास जनता का पैदा होगा, और निश्चित तौर पर प्रेम भी आएगा देश के अंदर, और प्रेम आएगा तभी एकता उत्पन्न होगी, तभी देश भी बोले। देखिए ज्वलंत उदाहरण था ये कि भारत में किस तरह से धार्मिक संस्थाओं से जुड़े, सनातन से जुड़े संत और महंतों का किस तरह से भाजपा अपना राजनीति का पान करते हुए अपना लक्ष्य साध रही है। सम्मान करते हैं ये सनातन सम्मान करते हैं, बिल्कुल सम्मान करते हैं। कहां सम्मान? आदिदेव जगतगुरु शंकराचार्य के लिए मैंने हर बार आवाज उठाई, और जब तक इसको राष्ट्रीय दिवस में नहीं परिपूर्ण करता तब तक उठाऊंगा। इन जैसे मुगलिया मानसिकता के लोग, फांसीवादी मानसिकता के लोगों की राजनीति भाई सनातन संगठन के प्रवक्ता को नहीं बोलने दे रहे हैं, ये संतों को क्या बोलने देंगे? लड़कों से गलतियां हो गई। अच्छा चलो ठीक है। नहीं नहीं, लड़कियां खुद को सौंप देती हैं, आपकी साध्वी ने कहा भूल गया? नहीं नहीं, सनातन क्या हो गया? धर्म का प्रचार करेंगे, ये धर्म का प्रचार करेंगे, इसी तरह की राजनीति बदलाव हुई अयोध्या में। आप सभी मेहमान को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा थी और चर्चा बहुत गर्म भी हुई, प्रवक्ता भाजपा और नेता सपा के बीच जिस तरह इसी गहमा गहमी रही, एक बात स्पष्ट करती है कि अब फिलहाल देश में राजनीति केवल धार्मिक मुद्दों पर हो रही है। बयान देते रहिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, जनता के लिए काम हो अथवा ना हो। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, हमारे देश में धार्मिक उन्माद के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भाषा पर विचारधारा पर चलने वाला देश है, हमारा देश वैचारिक व्यवस्था के साथ चलने वाला देश है, हमारा देश एक साथ चलकर विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर होने वाला देश है। भारतीय संस्कृति और भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारतीय संस्कृति ऐसे ही पूजित है पूरे विश्व में कि हाँ ये भारतीय संस्कृति, और भारतीय संस्कृति हमेशा क्षमा सिखाई है, प्रेम सिखाया है, सत्य सिखाया है और अपनापन सिखाया है। तभी तो बसीपति ने बहुत बार एक बार स्पष्ट कही है, और शायद बहुत अच्छी लाइन है, उस बात को सुनना भी चाहिए कि सात संदूकों में बंद कर दो नफरतें, सात संदूकों में दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।